को किसके पास रहना चाहिए घर में? मैंने बोला अभिषेक को सिस्टम के पास रहना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, थकेश को बिग बॉस शो के अंदर एज अ गेस्ट बुलाया गया था, जहां पर थकेश ने फुकरा इंसान को ज्यादा सपोर्ट किया था और एलवी यादव को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। और उसके बाद थकेश को एलवी यादव के फैन की तरफ से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काफी ज्यादा हेट और गालियां मिल रही थी। तो यहां पर थकेश ने इसी चीज को क्लियर करते हुए अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी, जहां पर उन्होंने बताया कि बिग बॉस वालों ने मुझे एज अ फ्रेंड फुकरा इंसान का बुलाया गया था और मुझे बिग बॉस वालों ने पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ फुकरा इंसान के बारे में बातें करनी और उसे ही सपोर्ट करना है। और थकेश ने किस तरह से क्लियर किया इस चीज को, आप खुद सुन लीजिए। तो किसके पास रहना चाहिए घर में? मैंने बोला अभिषेक को सिस्टम के पास रहना चाहिए। क्या है, घर तो 3 हफ्ते में बंद हो जाएगा है? सिस्टम तो चलता रहता है ना, साथ में रहना चाहिए। मैंने बोला बदले में मुझे क्या मिला? मुझे मिली ट्विटर पे गालियां। साला अच्छा करने जाओ, साला गाली मिलता है, साला कुछ भी करो गाली खा रहा हूं मैं है? अब समझा टिकटॉकर्स को कैसा लगता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसकी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है कि एलविश यादव को मोटिवेट क्यों नहीं किया? तो एलविश यादव को सपोर्ट नहीं करता है, वो भी तो यूट्यूब कम्युनिटी में से। अरे मेरे दोस्त, आप मेरे पिछले 3 वीडियोस देख लो, किसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, फुकरा एलविश को। अब वहां पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली मुझे एज अभिषेक का फ्रेंड बुलाया गया था, ठीक है, तो मुझे अभिषेक के बारे में बात करनी होती है। स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया था बैक स्टेज कि अभिषेक के बारे में ही बात करो, ओके, बिकॉज आप अभिषेक के फ्रेंड हो। जब वही कर क्या अभिषेक के बारे में बात किया, बट अभी यूट्यूबर है तो थोड़ा सा तो मैंने एलविश की साइड ये भी बोला कि साथ में रहो, बोला ना, जबकि मेरे को बोला था नहीं बोला। बाकी गाइस, आप लोगों के थकेश के ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या उन्होंने एलविश यादव को ना सपोर्ट करके सही किया या गलत किया, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।